वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलाना बेस्ड एक मीम टोकन जिसका नाम है फ्रॉन्क। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये फ्रॉन्क की ऑफिशियल वेबसाइट है fronk.xyz। यहाँ पर सोलाना की बात करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि सोलाना ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हलचल रही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं इसको जिसकी वजह से इसके प्राइस में इजाफा हुआ, जिसमें बॉन्क एक इसका एक मीम टोकन है। काफ़ी लोग जानते हैं कि बॉन्क ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहां पर दिया है, जो कि सोलाना के ऊपर बनाया गया एक मीम टोकन था। उसी तर्ज पर फ्रॉन्क टोकन को भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फ्रॉन्क वाज बर्थ फ्रॉम इनजस्टिस, देर इज़ नो प्लेस इन अवर वर्ल्ड फॉर अनफेयरनेस एंड देर इज़ नो नीड फॉर एनी वन टू फील लेफ्ट आउट। वी लव बॉन्क बट फील देर वॉज बायस इन हाउ द टोकनोमिक्स वर असाइंड। दिस इज़ वाई 45% ऑफ द फ्रॉन्क सप्लाई इज गोइंग टू द पीपल हु डिड नॉट गेट बॉन्क। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि बॉन्क की ओर से काफ़ी सारे यूज़र्स को शायद उसका जो हिस्सा था नहीं मिल पाया था, इसलिए यहाँ पर यही सोलाना का एक मीम टोकन बनाया गया है फ्रॉन्क, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि जो सप्लाई बॉन्क से रह गई थी लोगों को मिलने के लिए, वो यहाँ पर फ्रॉन्क उसको देगा। दोस्तों सरल शब्दों में कहूँ तो जस्ट एक मीम टोकन यहाँ पर बनाया हुआ है जो सोलाना की ब्लॉकचेन यूज़ करके किया गया है। फ्रॉन्क की सप्लाई एलोकेशन की बात की जाए तो हम समझ सकते हैं जो 20% है वो हमें फ्रॉन्क की डाव के लिए यूज़ होगा। उसके बाद सबसे बड़ा चंक है 45% का, जो बेसिकली NFT कलेक्शंस के लिए रहेगा। अगेन 20% जो है वो अर्ली कम्युनिटी के लिए है जो इसमें शुरुआती दौर पे इनसे जुड़ जाती हैं। फिर 5% जो है वो डेक्स की लिक्विडिटी है, 5% जो है मार्केटिंग है, और वैसे ही 5% जो है वो टीम के पास रहेगा। तो यहाँ पे सप्लाई की एलोकेशंस तो हमें देखने को मिल जाती है। कॉइन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो वहाँ पर 45% NFT कलेक्शंस है, 20% अर्ली कम्युनिटी है, 20% फ्रॉन्क डाओ है, देन 5% की डेक्स लिक्विडिटी है, 5% मार्केटिंग, 5% टीम। तो इस हिसाब से इन्होंने अपने फ्रॉन्क पेपर में जो कि अपने टोकन की सप्लाई को लेकर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशंस करके आपके सामने रखा हुआ है। इसके अलग यहाँ पूरी वेबसाइट्स पे हमें कुछ भी नहीं दिखता है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि इसके ओनर्स का, इसके फाउंडर्स का और इसकी टीम का हमें कुछ नहीं पता है, KYC ऑडिट्स का हमें कुछ नहीं पता है। तो पूरे प्रोजेक्ट को जस्ट एक मीम टोकन के तौर पे आपके सामने रखा है। और कॉइन मार्केट कैप की दोस्तों बात की जाए तो फ्रॉन्क इज़ द प्रोजेक्ट नेम और फ्रॉन्क इसका मीम टोकन है। प्राइस जो है 0.5 × 0.9244 इंडियन रुपीज़ है, यानी कि आप समझ लीजिए भी एक पैसा भी नहीं है, और 15.25% के हिसाब से राइस देखने को मिली है। बहुत अचंभा लगता है सोचते हुए कि कैसे कैसे मीम टोकन आ रहे हैं जिसपे लोग अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि उस पूरे प्रोजेक्ट में हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है जहां से हम ये समझ सकें कि ये प्रोजेक्ट जो है लीगल वे में सही है, और ये समझना बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लीगल एस्पेक्ट्स में कहीं पर भी कंप्लीट नहीं है, कहीं पर भी ये उस तरीके से खरा नज़र नहीं आ रहा है। रैंक की बात की जाए 2734 है। सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, जस्ट वॉल्यूम्स दे दी गई हैं कि यहाँ पे बताया कि 80 मिलियंस की वॉल्यूम्स हैं जो 0.04% के हिसाब से राइज हो रही है, और पिछले 24 घंटे में 17.39% के हिसाब से राइज हमें देखने को मिली है। उस ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो क्योंकि जस्ट अभी 2 घंटे पहले CMC पे लिस्ट हुआ था तो 0.5 × 0.9213 था, जो अभी 1.42% के हिसाब से डाउन है। ऑल टाइम लो की बात की जाए तो वो ठीक 2 घंटे पहले 0.5 × 0.8018 था, जो अभी 13.28% के हिसाब से राइज पे देखने को मिलता है। आप इसे बिट ट्रू से फ्रॉन्क ऑब्लिक USDT के पेयर पे बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो बिट ट्रू एक एक्सचेंज है, यहां पे आप लॉगिन करके इसे बाय कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बाइंग के एडवाइस अभी नहीं दूंगा, मीम टोकन है और इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हालांकि कुछ डिटेल्स हैं, स्वैप है, फार्मिंग है, उसके लिंक्स आपको इसी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @fronk_inu है, जहां पर उन्होंने अपने आपको बताया कि फ्रॉन्क इज सोलाना मीम कॉइन फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, लेकिन ऐसा उन्होंने यहां पे बताया हुआ है। उसके बाद कुछ अपडेट्स दी हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके और कुछ इन्फॉर्मेशन जिसे आप यहां से चेक कर सकते हो इसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। हर प्रोजेक्ट अपने बात करता है कि हम मीम टोकन हमें इन्वेस्ट कीजिए और आपका पैसा जो है वो आपको प्रॉफिट के रूप में, स्टेकिंग के रूप में और रिवॉर्ड्स के रूप में मिल जाएगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट में ऐसा दोस्तों नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको फ्रॉन्क टोकन के ऊपर दिया, मीम टोकन के ऊपर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।